फ्रेंड्स वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेज। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड लॉगरिदम के सम लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आज का अपना टॉपिक है घात मींस पावर। तो दोस्तों पावर के सम को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब क्वेश्चन में आपको कोई नंबर दिया हो एम का पावर एन दिया है, यानी कि किसी नंबर की कोई पावर दी है यानी घात, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको करना क्या है, एंटी लॉग ब्रैकेट में एन मल्टीप्लाई लॉग और फिर आ जाएगा एम। इस तरीके से उसे इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 का पावर 3 दिया है, 64 क्यूब। तो ऐसे केस में दोस्तों फर्स्ट नंबर हम क्या करते हैं, जब लॉग का यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर एम मीन्स होगा नंबर 64 और एन मीन्स इसकी पावर 3। अब इसे इस फॉर्मूले में जब आप पुट करते हैं तो दोस्तों ये जो नंबर आपका होगा यहाँ पर एंटी लॉग ए एल फिर ब्रैकेट में ये जो पावर है इसकी आगे आ जाएगी, यानी यहाँ पर आपको दिया है एन, एन अर्थात ये पावर पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और फिर लॉग एम अर्थात लॉग एम मीन्स ये नंबर कितना 64 आ जाएगा, कितना 64, और फिर हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, अब दोस्तों यहाँ पर एंटी लॉग 3 मल्टीप्लाई लॉग 64 की आपको वैल्यू देखना है। अब इसके लिए हमें ज़रूरत होगी लॉग टेबल की, तो देखते हैं लॉग टेबल कैसे देखें। तो लॉग टेबल में दोस्तों 64 नंबर देखेंगे, 64 तो देखें 64 आपको दिया हुआ है, ये नंबर 64। तो 64 के बाद में चूंकि क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दिया है इसलिए 64 और ये कॉलम नंबर आता है आपका 0। यहाँ दोस्तों 64 के बाद और भी कोई डिजिट होता तो कॉलम नंबर देखते हम 1, 2, 3, 4 जो भी दिया है, क्योंकि इसमें कोई अलग से 64 के बाद और डिजिट नहीं है इसलिए 64 का कॉलम नंबर 0 देखते हैं हम, और कॉलम नंबर 0 में जो वैल्यू दी है वो है 8062। क्या वैल्यू है इसमें 64 का 0, 8062, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और लेकिन इस वैल्यू को लिखने के पहले हमें पूर्णांश बनाना होता है, तो दोस्तों 64 में डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट। तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूला इसे बनाने के लिए n-1 फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 डिजिट है 2-1 तो हो जाएगा 1, ये आपका हो गया पूर्णांश। अब पॉइंट लगा दिया जाएगा और 64 की जो वैल्यू आपकी आई है वो आई 8062, उस वैल्यू को हम लिख देंगे 8062 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा एंटी लॉग 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 3 2 6, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 0 0 लेकिन कैरी 1 है तो 1 लिखा जाएगा, और 3 8 24 का
फोर, कैरी आया टू, थ्री बन जा थ्री और टू फाइव, ये आपका हो गया दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पॉइंट के आफ्टर में फोर डिजिट है तो बैक साइड से फोर डिजिट, अब आपको पॉइंट शिफ्ट करना है फोर डिजिट के पहले, वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। अब हम देखते हैं इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग दोस्तों जब देखा जाता है तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का देखा जाएगा, तो पॉइंट के बाद अपने पास जो वैल्यू है 41 कॉलम नंबर 8 मैन डिफरेंस 6। तो देखते हैं दोस्तों एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में 41, तो यहाँ दोस्तों एंटी लॉग टेबल के लिए प्रति लघु गुणक सारणी नंबर क्या है 41 at 6। तो दोस्तों इस टेबल में हम देखते हैं तो अपने लिए वैल्यू 41 जो रहेगा तो इसमें हम देख लेते हैं 41 at 6। तो दोस्तों एंटी लॉग टेबल, हिंदी में इसे प्रति लघु गुणक कहते हैं, इसमें 41 का कॉलम नंबर 8 मैन डिफरेंस 6। तो 41 फर्स्ट कॉलम दोस्तों आता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 41 का 8। तो यहाँ पर देखें दोस्तों वैल्यू कितनी दी है 2 6 1 8 2 6 1 8, ये वैल्यू आ जाती है। मैन डिफरेंस हम देखेंगे कितना 6, तो मैन डिफरेंस 6 देखें इसी के सामने, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6, 6 में आपको दिया 4, इसमें कितना दिया 4, तो आपको 2 6 1 8 में 4 प्लस कर देते हैं यानी कि 26 18 प्लस 4, तो हो जाएगा 26 22। तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख लेंगे दोस्तों, जब एंटी लॉग देख लिया जाता है तो ये आपका ए लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आंसर आ जाएगा 26 22 हमने लिख लिया। अब देखें दोस्तों पूर्णांश कितना दिया है यहाँ पर पॉइंट के बिफोर में 5, तो 5 में आप क्या करते हैं जब एंटी लॉग देख लेते हैं तो एंटी लॉग देखने के बाद हमें पॉइंट अप्लाई करना होता है, तो यहाँ जितना पूर्णांश है उसमें 1 प्लस करना है। पूर्णांश बनाने के लिए आप क्या करते हैं ऊपर 1 माइनस करते हैं n-1 और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है n+1 का, तो 5 + 1 होगा 6। अब इसमें दोस्तों आगे से 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, अब चूंकि अपने पास डिजिट 4 है इसलिए एक 0 पीछे बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 5, और आपको छोड़ना है कितना 6, 1 2 3 4 5, अब एक और 0 बढ़ा लें तो हो गया 6, यहाँ पर पॉइंट अप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आपका आंसर जो आएगा 2,62,200, ये आपका दोस्तों आंसर होगा। ऐसे दोस्तों हम ये कैलकुलेटर से उत्तर में अंतर आएगा दोस्तों, इसलिए कैलकुलेटर का यूज ना करें इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम बी नंबर। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा डिफरेंट सम है, तो इसमें 0.08 इसका दिया क्यूब, तो सेम केस है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग के बाद ब्रैकेट में n मल्टीप्लाई लॉग m, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों एंटी लॉग n मीन्स यहाँ होगा इसका पावर 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई लॉग, तो हमने लिखा लॉग m का मीन्स होगा यहाँ नंबर क्या दिया 0 यानी यहाँ पर 0.08,
इसे 0.08 भी हम रीड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लॉग देखना है। तो यहाँ पर अपना जो होगा एंटी लॉग 3 मल्टीप्लाई लॉग। लॉग देखने के लिए दोस्तों अब ध्यान रखना है कि लॉग में पॉइंट का ध्यान नहीं रखते, तो अपने पास जो नंबर है वो क्या है 0.8, और लॉग टेबल हमेशा 10 से शुरू होती है, तो इस नंबर को ऐड का लॉग तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केस में हम ऐड के पीछे 0 मान लेंगे, यानी कि ऐड को ऐड रीड नहीं करते हुए आप इसे 80 रीड करेंगे। ध्यान रहे क्योंकि लॉग टेबल 10 से शुरू होती है और ऐड का लॉग होगा नहीं, इसलिए हम किस में देखेंगे 80। अब चूंकि 80 का कॉलम कौन सा, तो इसमें डिजिट आगे है नहीं, इसलिए आप 80 का 0 देखेंगे। और अगर इसमें भी अगर आपका डिजिट 2 और 3 डिजिट में होता तो फिर कॉलम नंबर देखते, तो अभी आपको 80 का 0 देखना है। 80 के 0 में जब इसकी वैल्यू देखोगे तो आपको लॉग टेबल पर आते हैं लॉग 80 और लॉग 80 का 0। तो देखते हैं दोस्तों लॉग 80, आपको लॉग 80 की जो वैल्यू 0 है वो क्या है 9031, कितना 9031। तो यहाँ हम वैल्यू लिख लेंगे 9031। अब आपको क्या करना है, इनका कर लेना है मल्टीप्लाई। तो एंटी लॉग 3 बन जा 3, लेकिन दोस्तों अभी पूर्णांश नहीं बना है, इसमें जब पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के पहले 10 तो 1 माइनस 1, पॉइंट के बाद में 0 माइनस 2, तो पॉइंट के बाद में जितनी 0 है पॉइंट को 1, आप ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट को माइनस 1 काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी 0 होगी उतने माइनस में पूर्णांश बनेगा, तो यहाँ पर माइनस 2 पूर्णांश हो जाएगा, माइनस 2.9031 ये वैल्यू है। अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 9 जा 27, 3 9 27। अब दोस्तों इसका कैरी बचा 2, लेकिन अब ध्यान रखना है कि ये जो 2 आपका जो बचा हुआ है वो प्लस का है, और 3 2 या 6, ये चूंकि इस पर वार लगा है तो ये नंबर होगा माइनस का, 3 2 या 6 माइनस का है, कैरी प्लस का है, तो आप माइनस का नंबर चूंकि बड़ा है 6 आया और कैरी आपके पास प्लस का 2 है, तो 6 माइनस 2 यानी कि ये जो नंबर आएगा वो हो जाएगा माइनस का 4, अर्थात 4 बार ये हो गई वैल्यू 4 बार 0.7093। अब देखेंगे दोस्तों एंटी लॉग, जब एंटी लॉग देखते हैं तो हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर 70 का कॉलम 9 और मेन डिफरेंस 3, एंटी लॉग टेबल में 70 का 9 मेन डिफरेंस 3 देखें, तो एंटी लॉग टेबल 79 मेन डिफरेंस 3, तो ये आपका है 70, लेकिन 70 का कौन सा देखना हमें 9, तो 9 नंबर तो 0 से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ है 5117 5117, ये नंबर हो गया हमें 9 देखना है, वैल्यू 70 का 9 देख लिया 5117। अब मेन डिफरेंस आपको दिया है 3, तो इसी के आगे 1 2 3, 3 में वैल्यू है 3, तो 5117 में 3 प्लस कर देंगे, 5170 में 3 प्लस किया तो बनेगा 5120, यहाँ आप लिखेंगे 5120। ओके दोस्तों आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि इसमें पूर्णांश जो दिया है वो माइनस में है, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ हमें n प्लस 1 करना होता है,
एन मीन्स यहाँ पूर्णांश कितना है एन, तो फोर बार प्लस वन, यानी कि दोस्तों फोर में प्लस वन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का थ्री, और माइनस का थ्री अगर पूर्णांश होता है तो दोस्तों पॉइंट का ध्यान रखें कि यहाँ पर पॉइंट के पहले कितनी जीरो, माइनस वन, माइनस टू, और ये लग जाएगा पॉइंट। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे और ये आ जाएगा आंसर, यानी कि कहने का मतलब पॉइंट को माइनस वन काउंट करते हैं, ये माइनस टू माइनस थ्री। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा, सॉरी फोर है और प्लस वन करोगे तो यहाँ पर थ्री आएगा, तो थ्री के लिए आप क्या करेंगे, या माइनस के केस में जितना दिया उतना आप कर दें, यहाँ पर फोर दिया है तो आपको थ्री माइनस करके थ्री आया तो थ्री आपको जीरो लगाना है आगे, थ्री जीरो लगा करके पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये दोस्त। आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारा सवाल आपको पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।